स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY कब शुरू की गई थी? ए 28 अगस्त 2014, बी 1 जुलाई 2014, सी 26 जनवरी 2015, डी 2 अक्टूबर 2016। आंसर ए 28 अगस्त 2014। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को की थी। ये योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन NMFI है। इसका मकसद हर बैंकविहीन वयस्क को सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराना है। इस योजना के तहत वंचित वर्गों को मूल बचत बैंक खाता, जरूरत के हिसाब से ऋण, पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा, बीमा, पेंशन इत्यादि सुविधाएं मिलती हैं। अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को वधावन बंदरगाह की आधारशिला कहां रखी? ए मुंबई महाराष्ट्र, बी सूरत गुजरात, सी पालघर महाराष्ट्र, डी डहाणू महाराष्ट्र। आंसर सी पालघर महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को पालघर महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी, जो अपनी रणनीतिक स्थिति और क्षमता के कारण कई पहलुओं में भारत के व्यापार को बढ़ावा देने वाला है। वधावन बंदरगाह 76,220 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी वाला बंदरगाह होगा। ये बंदरगाह मध्य एशिया और रूस के साथ भारत की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देगा। इस बंदरगाह से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर कुछ दबाव कम होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह है। अगला प्रश्न। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ए सचिन तेंदुलकर, बी ध्यानचंद, सी PT उषा, डी मिल्खा सिंह। आंसर बी ध्यानचंद। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के खेल के प्रति अद्वितीय कौशल और समर्पण ने हॉकी की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1926 से 1948 तक अपने खेल करियर के दौरान मेजर ध्यानचंद ने 1000 से ज्यादा गोल किए और भारत को 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए। अगला प्रश्न। प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? ए महिला शक्ति दीदियां, बी उद्यमी दीदियां, सी किसान दीदियां, डी लखपति दीदियां। आंसर डी लखपति दीदियां। एक्सप्लेनेशन: 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना एक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सरकार लखपति दीदी योजना के तहत पात्र महिलाओं को ब्याज मुक्त 1 से 5 लाख रुपए का ऋण देती है, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सके। अगला प्रश्न। टेलीग्राम के संस्थापक और CEO कौन है जिसे फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था? ए सुंदर पिचाई, बी पावेल ड्यूरोव, सी जैक डोसी, डी मार्क जुकरबर्ग। आंसर बी पावेल ड्यूरोव। एक्सप्लेनेशन: लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम के संस्थापक और CEO पावेल ड्यूरोव को हाल ही में ले बोर्गेट हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हालांकि बाद में उन्हें सशर्त छोड़ दिया गया। ड्यूरोव पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और पोर्नोग्राफी के 12 मामले दर्ज है। 39 साल के ड्यूरोव रूस के रहने वाले हैं, लेकिन 2014 में उन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया था। अब वो सऊदी अरब में रहते हैं।